सत श्री अकाल जी सारिया नूं, तुहाडा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल अकाल एजुकेशन दे उत्ते। जिवें कि सारिया नूं इंतजार सीगा जी, जिन्हां ने भी आई टी इलैक्ट्रीशियन और वायरमैन दी कीती हुई सी, ठीक है जी, पास आउट होए सी नवें जां पुराने बच्चे सी कि साडी अप्रेंटिसशिप कदों लगेगी। सो उन्हां लई इंतजार दीआं घड़ियां खत्म हो चुकियां ने। सो मतलब पंजाब PSPCL वल्लों 1500 वैकेंसी अप्रेंटिसशिप ट्रेनीज़ की कढ दित्ती गई है लाइनमैन ट्रेड दे विच। सो बच्चे की है जी अपना भर सकते ने अप्रेंटिसशिप, ऑनलाइन भर सकते ने। सो अज आपां उसे ही नोटिफिकेशन के बारे गल करांगे। सो उहदे विच की कुछ है, ठीक है जी, कदों तो शुरू होनी है भरनी, तो कदों मतलब की है इहदे लास्ट डेट आ भरन की, तो इहदे विच की कुछ नवां दित्ता उन्होंने, पेपर होवेगा नहीं होवेगा, पेपर होवेगा तो किहो जिहा होवेगा, वो सारियां गल्लां आपां अज इस नोटिफिकेशन दे विच करांगे। सो ज़्यादा ना गल करते हुए आपां नोटिफिकेशन ते आउणे आ जी। सो नोटिफिकेशन अपना की है जी, सब तो पहला देखो जी उन्होंने ऑफिशियल वैबसाइट ते अपनी ते पाया होया गा पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड वालों। सो की है जी, नोटिफिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडीडेट फॉर अप्रेंटिसशिप इन लाइनमैन ट्रेड फॉर सैशन 2022-23 के बच्चों वास्ते, ठीक है जी। सो की है जी, कदों स्टार्ट हो रहा है, 27-2-2023 तो यह स्टार्ट हो चुकी ने जी अपने लवे जी। ऑनलाइन एप्लीकेशन तुसी ऑनलाइन भरोंगे जी, किसी भी कंप्यूटर सेंटर से जाके भर सकते हो। तो लास्ट डेट भरन की कदों आ जी, लास्ट डेट हैगी जी 27-3, पूरा एक महीने का अपन टाइम दिता गया जी, 27-3 अपने लवे लास्ट डेट हैगी। सो भरन की इनू, सो ये की है जी, ये कौन कौन भर सकता इनू, ठीक है जी। सब तो पहला की है जी, इन्होंने दस्या होया गा पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड अ पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडीडेट, ठीक है जी। किहड़े किहड़े कैंडीडेट भर सकते हैं, हू हैव कंप्लीटड, जिन्होंने कंप्लीट की ITI इन वायरमैन एंड इलैक्ट्रीशियन ट्रेड, जिन्होंने इलैक्ट्रीशियन ते वायरमैन ट्रेड दे विच की है जी अपनी ITI पास की आ, ओह बच्चे की है जी इस अप्रेंटिसशिप नूं भर सकते ने। सो कई बार पता की है साडे लवे बच्चे आ जाते हैं कि वायरमैन ट्रेड वाला तो एलीजिबल नहीं हुंदा जी, वायरमैन वाले नूं रखते नहीं है, वह अप्रेंटिसशिप नहीं लगती, बिजली बोर्ड च उन्हां दीआं पोस्टां नहीं आउंदियां। सो वह गल झूठ है जी, गलत है। सो की है जी, वायरमैन ट्रेड वालों की भी विच अपनी लगेगी अप्रेंटिसशिप, ठीक है जी। वायरमैन और इलैक्ट्रीशियन उन्होंने दोनों ही लिखिया। सो किन्नियां पोस्टां ने जी, बाय कैटागरीज़ वाइज आप देख लें जी। सो कैटागरीज़ वाइज किन्नियां सीट्स ने, सो जरनल कैटागरी दीआं हैगीआं ने 904 पोस्टां ने जी, ठीक है जी। जरनल कैटागरी किन्नियां ने जी, 904 सीटां ने। तो SC दीआं हैगीआं ने अपने लवे शड्यूल कास्ट दीआं हैगीआं ने जी 371 पोस्टां ने। तो VC दीआं हैगीआं ने जी 148 पोस्टां, BC दीआं हैगीआं ने 148 पोस्टां, ते कुछ पोस्टां उन्होंने 77 पोस्टां ने जिहड़ियां ओह उन्होंने परसन विद डिसेबिलिटी, जिहड़े की है जी कोई हैंडीकैप्ट आ जांदा जां डंफ एंड डीप आ जांदा उन्हां वास्ते उन्होंने की है जी 77 पोस्टां बिजली बोर्ड ने रिजर्व रखियां ने। सो इन्हां नूं मिला के टोटल पोस्टां अपने लवे आ जांदियां ने जी 1500 पोस्ट आ जांदी हैगी। सो कौन कौन भर सकदा जी, वो नीचे उन्होंने दस्या है, नोट दे विच स्पैशल लिखा हुआ जी, ओनली पंजाब रेजिडेंट डोमिसाइल कैंडीडेट विल बी कंसीडर्ड, कहिंदे जी असी उन्हां नूं ही कंसीडर्ड करांगे, उन्हां नूं ही बच्चियां नूं रखांगे जिहड़े की आ पंजाब दे वसनीक ने, ठीक है जी। जिन्हां लवे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैगा गा पंजाब दा, जिन्हां लवे पंजाब रेजिडेंस दा सर्टिफिकेट हैगा, सो सारे बच्चे अपना पंजाब रेजिडेंस दा सर्टिफिकेट जिन्हां लवे नहीं हैगा तो बनवा के रख लैण जी। कई बार कई बच्चों लवे हुंदा नहीं हैगा जी, जो जिन्ना लवे हैगा गा तां वो चैक कर लैण, इह 3 साल तो पुराना नहीं चलता, ठीक है जी। 3 साल जिहदे सर्टिफिकेट नूं हो चुके ने उन्हूं दुबारा बनाउणा पैणा जी इह सर्टिफिकेट, सो अपना वो बना लैण। उस तों बाद आ जांदा जी अगे इन्हां ने की लिखिया जी, कहिंदे जी जिहड़ा तुहाडा डोमी अपना आल कैटागरीज कैंडीडेट आर रिक्वायर टू प्रोड्यूस पंजाब डोमिसाइल इशूड, ठीक है जी। कदों तो जी 1-1-2023 तो बाद दा थोड़ा डोमिसाइल होना चाहिए, मान लो डोमिसाइल तुहानू नवा ही बनाउणा पऊगा जी, सर्टिफिकेट पंजाब रेजिडेंट का जिहड़ा सर्टिफिकेट आ तुहानू नवा ही बनाउणा पऊगा। प्लस इन्हां ने होर की कहा जी, बिजली बोर्ड ने दस्सिया जी, कहिंदे जिहड़ियां सीट्स ने उह कहिंदे जी असीं घटा भी सकदे आ वधा भी सकदे आंगे, इह राइट साडे लवे रहूगा जी, उह कंडीशन देखणी आ उन्हां ने की है जी, उह घटा भी सकदे आ वधा भी सकदे आ।
ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੇ ਭਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਸ ਸੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਐਸ ਸੀ ਐਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਸੈਪਰੇਟ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਵੂਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ਼ਿਪ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਐਸ ਸੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਡਿਸੇਬਲ ਆ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਸੋ ਅਸੈਂਸ਼ਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਡਨ ITI ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ITI ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਇਰਮੈਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ NCVT ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ SCVT ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਅਪੋਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ਼ਿਪ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ 7700 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਆ 7700 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਭਰ ਰਿਹਾ ITI ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ਼ਿਪ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ITI ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ 100 ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ 1 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਊਗਾ ਤੋ 70 ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣਗੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ 70 ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਮੈਨ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ 70 ਕੁਸ਼ਚਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ 20 ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਉਣਗੇ 10 ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜੂ ਨੋਨ ਟੈਕਨੀਕਲ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਜੂਗੀ ਨੋਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ 70 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀ ਆਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਜੂਗੀ ਟੋਟਲ 100 ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਗਾ ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ 2 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੋਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 20% ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਜਰਨਲ ਆ ਚਾਹੇ ਐਸ ਸੀ ਆ ਚਾਹੇ BC ਆ ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਲ ਆ 20% ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੀ
नैगेटिव मार्किंग की होगी जी? नहीं होगी। देयर विल बी नो नैगेटिव मार्किंग। इस पेपर दे विच नैगेटिव मार्किंग नहीं होनी जी। ठीक है जी। उस तो बाद की आ जाता जी, उस तो बाद अगे तुहाडा किसी दा वो नहीं हैगा, नॉर्मलाइजेशन मैथड आ जाता जी, तुहाडे किसी काम का नहीं हैगा फिलहाल हले। सो की है तो उस तो बाद की है, तुहाडा सब तो पहला की है जी, तुहाडा पेपर होगा। पेपर चो जिहड़े बच्चे क्वालीफाई करनगे, क्वालीफाई करन तो बाद उन्हां दी की होगी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन दे लई उन्हां नूं बुलाया जाऊगा जी। उन्हां नूं डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन दे लई बुलाया जाऊगा जिन्हां दे की है जी अपना पेपर क्लीयर होगा। ठीक है जी। फिर उन्हां नूं डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन तो बाद तुहाडा की है जी, तुहानूं ज्वाइनिंग लैटर दिता जाऊगा, ऑफर लैटर दिता जाऊगा। ठीक है जी। ऑफर लैटर दिता जाऊगा। सो उस तो बाद आ जाती है गल करिए आप ऑनलाइन एग्जाम फीस, तो एग्जाम फीस कितनी होगी जी? तो टोटल एग्जाम फीस है जी जनरल कैटागरी की, जनरल कैटागरी की हैगी 420 रुपए जी। कितनी है जी एग्जाम फीस? टोटल हैगी 420 रुपए। एससी कैटागरी वास्ते हैगी जी 280 रुपए। बीसी कैटागरी की भी बराबर फीस है जी 420 रुपए है जी। ठीक है जी। तो परसन विद डिसेबिलिटी कितनी है जी? 280 रुपए हैगी। सो ये थोड़ी की है जी एग्जाम फीस रहनी चाहिए जी तुसी भरोंगे। सो बस ये इन्ना ही सीगा रजे। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन लिंक जे तुसी आप भरना चाहुंदे हो तो आ रजिस्ट्रेशन लिंक दिता होया उन्होंने, इस रजिस्ट्रेशन लिंक ते जाके तुसी की है जी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकदे हो, अपना फॉर्म तुसी खुद फिल कर सकदे होंगे। ठीक है जी। सो ये अपना नोटिफिकेशन सीगा राजे, दब के हुण तैयारी कर दो। तुहाडे लवे की है जी टाइम हैगा गा थोड़ा, सिलेबस हैगा गा इलैक्ट्रीशियन का बहुत ज़्यादा राजे। ठीक है जी। सिलेबस हैगा गा बहुत ज़्यादा तो टाइम हैगा थोड़ा, तो दब के तैयारी करनी शुरू कर दो अपनी, ता कि की है जी तुसी पेपर क्लीयर करके अपना अप्रेंटिसशिप ते लगते होवो। सो जिहड़े बच्चे अपना तैयारी करना चाहुंदे ने राजे पेपर दी, ता साडे वल्लों की है जी यानी कि अकाल एजुकेशन वल्लों तैयारी करवाई जा रही हैगी इस पेपर दी। ठीक है जी। इस अप्रेंटिसशिप दे पेपर दी फुल तैयारी कराई जा रही हैगी। सो जिहड़े बच्चे भी तैयारी करना चाहुंदे ने वो साडे नाल की है संपर्क कर सकते ने जी। ठीक है जी। वो साडे नाल संपर्क कर सकते ने, साडे फोन नंबर ने जी, फोन नंबर तुसी नोट कर सकते होंगे, मेरा नंबर नोट कर सकते हो तुसी, नंबर हैगा जी अपना की हैगा जी इधर देखो जी नंबर मैं लिख रहा जी, मेरा नाम हैगा जी जतेंद्र सिंह। नंबर हैगा 9478-64-2048। ठीक है जी। या फिर तुसी ये नंबर ते तुसी की है जी अपनी गल कर सकते हो जी। ठीक है जी। अकाल एजुकेशन का ये अपना नंबर है जी, तुसी ये ते गल कर सकते होंगे, तुहाडी तैयारी प्रॉपर वधिया बहुत वधिया ढंग दे नाल करवाई जाएगी जी। सो इस तो इलावा तुसी की है जी तुहानू सारे नंबर ते साडे लिंक ने जिहड़े उह सानू तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच असीं दे दांगे जी। सो तुसी की है जी अपना तैयारी कर सकते हो, साडे लवे ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी तुसी तैयारी कर सकते होंगे जी। सो वीडियो नूं देखने के लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सारिआं नूं रजे, अपनी तैयारी दब के करो ताकि की है जी तुसी लाइनमैन लगो।